नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टिप्स देने वाले हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि कैसे आप अपने खान जीएस के लेक्चर अपने फोन या लैपटॉप में आसानी से सेव कर सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने महत्वपूर्ण लेक्चर को कहीं भी कभी भी सेव कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के उन्हें फिर से देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप खान जीएस के लेक्चर अपने फोन या लैपटॉप में आसानी से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। परीक्षा की तैयारी के दौरान हमें बार बार रिवीजन की जरूरत होती है, और अगर हमारे पास लेक्चर सेव होंगे तो हम कहीं भी और कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोल थी इंट्रो। सबसे पहले मैं फोन यूजर के लिए बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और कीवी ब्राउजर को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है, खान जीएस लॉगिन सर्च करना है। याद रखना दोस्तों, आपको खान जीएस नहीं सर्च करना है, खान जीएस लॉगिन ऐसा पूरा सर्च करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इसके साइट को ओपन करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना परचेस किया हुआ बैच सेलेक्ट करना है और आप जिस भी लेक्चर को सेव करना चाहते हो उसको ओपन कर लेना है। फिर लेक्चर को थोड़ा आगे प्ले कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ तीन डॉट पर क्लिक करना है और नीचे डेवलपर ऑप्शन होगा, उसको ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके नेटवर्क ऑप्शन को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ फिल्टर लिखा हुआ बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको वॉच टाइप करना, और फिर आपको यहाँ पर वॉच लिखा हुआ लिंक मिलेगा, उस पर आपको लॉन्ग क्लिक करके रखना है। फिर कॉपी पे क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना है। फिर आपको टेलीग्राम ओपन करना है और ये बोट को ओपन करना है। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर आपको बोट को स्टार्ट करना है और ये मैसेज आएगा, इसमें आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलेगा, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तभी ये बोट वर्क करेगा। सारे ग्रुप्स चैनल को ज्वाइन करके नीचे चेक पर क्लिक करना है, और फिर आपने जो थोड़ी देर पहले लिंक को कॉपी किया उसको यहाँ पर सेंड कर देना है और ये बोट नया लिंक देगा। इसको आपको टेप करके कॉपी कर लेना है। फिर आपको इस वाले ग्रुप में आना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर कमांड देना है /yl1, फिर एक स्पेस छोड़कर आपने जो बोट से लिंक को कॉपी किया था उसको पेस्ट करके सेंड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये मैसेज आएगा, इसमें आपको लेक्चर को जिस भी क्वालिटी में सेव करना है उस पर क्लिक करना है, और फिर आपका लेक्चर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर /yl12345 कमांड का भी यूज कर सकते हो। फिर आपको सेव किया हुआ लेक्चर देखने के लिए आपको यहाँ पर नीचे व्यू बोट इन PM पर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर ये सेव किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह फोन की मदद से खान जीएस के लेक्चर को सेव कर सकते हैं। अब मैं लैपटॉप PC यूजर के लिए बता देता हूं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और खान जीएस लॉगिन सर्च करना है। याद रखना दोस्तों, आपको खान जीएस नहीं सर्च करना है, खान जीएस लॉगिन ऐसा पूरा सर्च करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इसके साइट को ओपन करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना परचेस किया हुआ बैच सेलेक्ट करना है और आप जिस भी लेक्चर को सेव करना चाहते हो उसको ओपन कर लेना है। फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना है, फिर ये विंडो ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पर नेटवर्क में जाना है। फिर आपको यहाँ फिल्टर लिखा हुआ बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको वॉच टाइप करना, और फिर आपको यहाँ पर वॉच लिखा हुआ लिंक मिलेगा, उस पर आपको लॉन्ग क्लिक करके रखना है। फिर कॉपी पे क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना है। फिर आपको टेलीग्राम ओपन करना है और ये बोट को ओपन करना है। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर आपको बोट को स्टार्ट करना है और ये मैसेज आएगा, इसमें आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलेगा, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तभी ये बोट वर्क करेगा। सारे ग्रुप्स चैनल को ज्वाइन करके नीचे चेक पर क्लिक करना है, और फिर आपने जो थोड़ी देर पहले लिंक को कॉपी किया उसको यहाँ पर सेंड कर देना है, और ये बोट नया लिंक देगा। इसको आपको टेप करके कॉपी कर लेना है। फिर आपको इस वाले ग्रुप में आना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर कमांड देना है /yl1, फिर एक स्पेस चेक कर आपने जो बोट से लिंक को कॉपी किया था उसको पेस्ट करके सेंड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये मैसेज आएगा, इसमें आपको लेक्चर को जिस भी क्वालिटी में सेव करना है
उस पर क्लिक करना है और फिर आपका लेक्चर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां पर /yl12345 कमांड का भी यूज कर सकते हो। फिर आपको सेव किया हुआ लेक्चर देखने के लिए आपको यहां पर नीचे व्यू बोट इन पीएम पर क्लिक करना है और फिर आपको यहां पर ये सेव किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह लैपटॉप की मदद से खान जीएस के लेक्चर को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रभावी तरीके जिससे आप अपने जीएस के लेक्चर को अपने फोन या लैपटॉप में आसानी से सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही उपयोगी जानकारी से भरे वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।